उसने सवाल किया था कि अगर वालिदैन बच्चों के हकूक पूरे नहीं करते तो इस सिलसिला में बच्चों को कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर क्या करना चाहिए, वजाहत फरमा दें। वालिदैन इस बारे में बहुत कसूरवार हैं कि वो अपने हकूक का तो तज़किरा करते रहते हैं और उलमा हज़रात से भी तकरीरें कराते हैं कि वालिदैन के सामने ओपना करो, मगर बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करता कि ये जो अल्लाह ने सुपुर्द की है तुम्हारे अमानत, इनका कोई हक नहीं, ना इनकी तालीम और तरबियत का निजाम, ना इनकी रहायश के लिए कोई बंदोबस्त, ना शादी का करते हो, वालिदैन के हकूक हैं सारे। तो ऐसे जालिम वालिदैन जो उन्हें भी चाहिए कि वो अल्लाह के दीन को सही तरह माने, अपने हकूक भी मांगने मगर औलाद के भी जो हकूक हैं उनको अदा करें। अगर कोताही करें जिस तरह आपके सामने हुक्म कहने वाला मुजरम है ना, बच्चे के साथ भी जुर्म होगा तो आप भी जहन्नम में जाएंगे। वालिदैन को यह लाइसेंस नहीं मिल गया कि वो औलाद के साथ जो चाहे सलूक करते हैं, कभी नहीं ऐसा कर सकते। सबसे बड़ा हुक्म अल्लाह का, अल्लाह जब कहता है कि औलाद की भी सही तरबियत करो, उनका भी ख्याल रखो जी। तो फिर तो मौलाना उलमा को भी दूसरे महाज के हवाले से बड़ी तफसील के साथ बात करनी चाहिए कि वालिदैन की ये जिम्मेदारियां हैं, उनको सही तरीके से अदा करें। तो हम तो सिर्फ बच्चों को ही कहते रहते हैं कि आपके ऊपर ये फराइज आए दूर। बिल्कुल ताहिर साहब, उसका ये गला ठीक है कि हर वक्त यही है कि वालिदैन के योग और आपका कोई हक है, तो वो बेचारे यूं ही गिर पड़े आसमान से, तो ये पल्ला बराबर करना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। और माँ को वो आते हैं हदीसें भी सुनानी चाहिए कि वालिदैन के भी कान खड़े हों, इनके साथ भी अगर जुर्म हुआ ना जहन्नम जाओगे। मैं इंडिया से हूँ, सवाल है कि बच्चों को माँ बाप के लिए जो करना है वो सब बताते हैं, पर माँ बाप को बच्चों के लिए जो करना चाहिए इस पर रहनुमाई फरमाओ। ओए होए होए, ये तो कोई 100 खुतबा चाहिए मुझे, 100 खुतबा। रौला ये है, माँ बाप को तो आप सोच ही नहीं सकते क्या करना चाहिए औलाद के लिए। आप जो कुछ करते हैं ना वो तो जाया हो जाता है। आप करते हैं उनके लिए घर बनाते हैं, फैक्ट्रियां बनाते हैं, दुकानें बनाते हैं, मकान बनाते हैं, या उनको तालीम देते हैं कि ये रोटी खाने वाले बन जाएं। अल्लाह ने जो चीज आपको दे दी ना औलाद, इस पे इतने बंदे जहन्नुम जाने हैं कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। इतने वालदैन के नाफरमान जहन्नुम नहीं जाने जितने वालदैन औलाद की गलत तरबियत करने पर जहन्नुम चले जाने, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी आपकी, आपके तसव्वुर से भी बहुत ऊपर है। अगर मैं इसको बयान करने लगूं, एक एक चीज बच्चे की आपके हाथ में है, नाम तक आपने रखना है और सोच समझ कर रखना है कि इसके नाम से भी कुफर और शिरक की बू तक ना आए। आपने उस बच्चे का खतना कराना है, कब जाकर के वो चीजें उसको फायदा देंगी, आपने कराना है। आपने उसकी पैदाइश पर बकरे जिबा करने के उसकी जिंदगी की हिफाजत का सदका निकालना कि ता मरग जब तक ये मर नहीं जाता, या अल्लाह ये मैं जो आज अकीका कर रहा हूं इसकी जिंदगी पूरी का सदका आपको दे दिया मैं। आपके पास आप तसव्वुर नहीं कर, इसकी तालीम, इसकी तरफ इस सच्चा पक्का मोमिन बनाना है आपने इसको, और उसके लिए जान लड़ा देनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पुत्र नहीं दिए, औलाद नहीं दी, जब तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान में रहे 50 साल की उम्र तक अल्लाह ने औलाद नहीं दी। अल्लाह ने कहा इधर दे दिए ना बच्चे, इब्राहिम के सारे पुत्र इसी माशरे में जम हो जाने, इब्राहिम के लिए तरबियत करनी मुश्किल हो जानी है। इब्राहिम को निकाल के बुढ़ा करके फिर ले जाके सहराओं में जाकर पुत्र दिए हैं, कहा जहां उस तहजीब का नामो निशान भी ना हो, कुफर की तहजीब का और शिरक की तहजीब का निशान ना हो। बुढ़ापा कबूल कर लिया अल्लाह ने, सहरा कबूल करवा दिया इब्राहिम को, पुत्र लेट दे दिए, इब्राहिम की उम्र उठा के 195 साल कर दी। अल्लाह ने कहा ना ना ना, ये मैं वो नबी बताने लगा हूं कि जिसके जरिए से बेटों की तरबियत दुनिया के सामने आएगी। आप देख लें, आप क्या समझते हैं, अल्लाह ताला देख चुका था कि इब्राहिम के बाप ने इब्राहिम के साथ क्या किया। वो दादे के हत्थे चढ़ जाता, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पोता, जैसे नूह अलैहिस्सलाम का पुत्र उसकी बीवी के हत्थे चढ़ गया तो उसने खराब कर दिया। अल्लाह ने कहा ऐसा दादा ऐसी दादी बचाए, क्या कर रहा है ये। तो वालदैन आप तो सब, आप पता नहीं सूली पे खड़े हैं, मैं आपको साफ बात बता दूं,
जो लोग अपने बच्चों की दीनी तरबियत का कोई इंतजाम नहीं करते वो जहन्नुम का ईंधन है पक्के, चाहे नमाजी परहेजी जितने मर्जी खुद सपारे पड़े। अल्लाह कहता तेरे जिम्मे ये काम था ही नहीं, जो था वो बता तुम्हें उनकी दीनी तरबियत का क्या एहतमाम किया। अगर आपने उनको उनको कुरान और हदीस नहीं ना पढ़ाया, स्कूल पढ़ाया, आप जहन्नुम में। सीधी बात मैंने आपको आप बता दी, मैं नहीं रखना चाहता ऐसी बात कि मेरे इलम में हो और मैं आपको ना बताऊं और बाद में आप कहें जी हमें काशिफ ने मौलवी साहब बताया ही नहीं, या अल्लाह बता सकता था। आपकी औलाद आपके लिए दुनिया में अजाब और आखिरत में अजाब बनाकर खड़ी की जाएगी, इसका हिसाब बच्चों ने क्या देना है साहब? बच्चे तो यही है ना कि नाफरमान है, अब्बे की बात नहीं मानी, माई की बात नहीं मानी। आपने बच्चों के साथ जो जुल्म कमाया हुआ है ना, आपने बख्शे नहीं जाना। बच्चे आपकी वजह से जहन्नुम जाएंगे और आप बच्चों की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। कल ही एक दोस्त थे, उनका मुझे फोन आया, उन्होंने कहा काशिफ साहब मेरा अकेला बाप मुसलमान हुआ था और मेरी दादी उनको लेकर के 1965 में इंडिया से इधर हिजरत करके आ गई। वो अब्बा मेरा मरते दम तक नमाजी पर जीरा, दादी भी रही, हमने थोड़ा सा दीन मिला। अब आपके खुतबे सुनकर मुझे एहसास हुआ है कि फिर तो हम फिर उसी मुकाम पर खड़े हो जाएंगे जहां पे अब्बा खड़ा था जाके कुफर वाले मुकाम पे, अगर दीन हासिल ना किया तो कुछ करें। मैंने कहा पुत्र, कहता 11वीं में पढ़ता, मैं कहा भेज दे मेरे पास हाफजाबाद से, वो खुद बाहर है। तो मैंने भी उसे यही कहा, जो लोग अपनी औलाद को नहीं कर रहे ये जहन्नुम का ईंधन है। जैसे मां बाप का नाफरमान जहन्नुम में है ना, इसी तरह औलाद की दीनी तरबियत ना करने वाला भी जहन्नुम के अंदर, वो भी जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा, वो भी सुकून में नहीं आएगा। आपको ये मैं बात बता दी, इसलिए बूढ़े हो जाएं, जवान हो जाएं, अपनी औलाद से जाकर मोहब्बत से प्यार से हाथ से गेम निकल भी गई है, इसको दोबारा गेम को हाथ में लाने की कोशिश करें। मरते दम तक कोशिशें करते रहें मोहब्बत प्यार से, बेटा ये कुरान मजीद पढ़ लिया करो, या नहीं तो बड़ा आला तरीका कार है, अपने पुत्र अपनी बेटी को कमरे में बुला लिया और उसे कहा बेटा ये एक ना तर्जमा का मुझे एक सफा सुना दो, मुझे एक हदीस सुना दो, ये तुम मुझे आके सुना दिया करो, चलो अब मुझसे पढ़ा नहीं जाता। हजार डंगर अंग हैं औलादों को नेक राह पे लाने के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है, जहन्नुम का ईंधन है वो लोग।